करनाल के इंद्री में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का समापन हो गया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल ने मुख्य रूप से भाग लिया। एनएसएस कैंप में अव्वल प्रदर्शन करने वाली 3 छात्र सिमरन कौर, तानिया व ज्योति को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल ने कहा कि एनएसएस शिविरों का विद्यार्थी जीवन काल में विशेष महत्व होता है। इन शिविरों के माध्यम से एक दूसरे की मदद करने व समाज में मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि एनएसएस कैंपों में बच्चों को कई प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। शिविर में बच्चों को स्वच्छता व सफाई कैसे रखनी होती है या अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने जैसी बातें सिखाई जाती हैं, जिनका बच्चों को काफी फायदा मिलता है। शिविरों में मोटिवेटरों के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। प्राध्यापक कुलदीप सिंह ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। एनएसएस कैंपों के माध्यम से शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। समाज में कैसे रहना है और कैसे समाज का भला करना है इत्यादि बातों के बारे में शिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा नागरिक बनने व देश की सेवा करने जैसा जज्बा पैदा करने में एनएसएस का विशेष योगदान होता है। ये सरकार की अच्छी व नेक योजना है। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। बताते चले कि करनाल के इंद्री में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का समापन हो गया है। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज जो है ना, गर्ल्स स्कूल इंद्री में एनएसएस कैंप का लास्ट डे था। आज समापन हुआ और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप गौतम जी थे यहाँ पे और बच्चों के वर्किंग को देखा और बहुत अच्छा लगा हमें भी। और बच्चों की जो एनर्जी देखते ही बनती थी और स्कूल को उन्होंने बहुत चमकाया, बहुत सुंदर बना दिया प्रांगण को। और बच्चों को इससे जो है एक सोसाइटी में किस तरह से एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है उसकी भी शिक्षा मिलती है। इस यही कैंप का आयोजन का मुख्य लक्ष्य था। तो और स्कूलों में भी इस तरह का कार्यक्रम करेगा? हाँ, ये हमारे ना गवर्नमेंट स्कूलों में जो बड़े स्कूल हैं, क्योंकि इसमें केवल 11th और 12th के बच्चे ही एनएसएस यूनिट से जुड़ते हैं। बड़े स्कूलों में जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर है। अभी पिछले हफ्ते ही जो है ना बॉयज़ स्कूल इंद्री में भी एनएसएस कैंप का समापन हुआ है, अब ये यहाँ पर हुआ है। तो किस प्रकार की एक्टिविटी रहती है? एक्टिविटीज़ जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाई भी जाती है, उनको एक मौका भी दिया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, और कुछ सीखते भी हैं बच्चे। और जब सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो है ना सिखाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है पर डे, जो है डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, वो बच्चों को गाइड करते हैं और ये कैंप बहुत फ्रूटफुल होते हैं। ये आज जो हमारे गर्ल्स स्कूल इंद्री के अंदर एनएसएस का जो कैंप था 1 वीक का, उसका आज समापन हुआ है। और इसके अंदर जैसा कि शिक्षा का एक उद्देश्य ही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, तो शैक्षणिक के अलावा अन्य गतिविधियों के अंदर भी, और ये एनएसएस का जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें बच्चों के, क्योंकि आज के समाज के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये आया था कि मुझे ऑफिस का ही जॉब, मुझे हायर कॉरपोरेट सेक्टर में ही मिले, और उनके अंदर ये भावना शुरू से पैदा करना, हमारे खासतौर के राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये ऐसा संस्कारित करना बच्चे को कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और सबसे पहले हमें अपने समाज की जिसमें हमने रहना है उसके लिए जो भी निर्माण कोई भी करना हो किसी तरह का भी कार्य है, तो ये बच्चों को इस तरह की शिक्षा इसके अंदर दी जाती है ताकि वो आगे चल के उनका जो है सांस्कृतिक और मानसिक विकास जो है एक अच्छा जो नागरिक बनने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व का उनके निर्माण हो, पर्सनैलिटी डेवलप का इसमें बहुत जोर दिया जाता है। और भिन्न भिन्न तरह की शिक्षा के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं उसके शिक्षा से इतर जिसको हम कहते हैं अन्य उनका व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये बहुत अच्छी एक योजना है और ये हमारे स्कूल के अंदर की गई है, हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और ख़ास तौर पर यह मैं कहना चाहूँगा कि ये गर्ल्स स्कूल है, महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर इससे एक आत्मविश्वास की बहुत वृद्धि होती है जब वो देखती हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आके लोग उनको संबोधित करते हैं और उनको जो ऑफिसर साहबान है, जैसे हमारे आज खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं संदीप गौतम जी, हमारे जो है एनएसएस का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो भी आके जब विचारों से अवगत कराते हैं तो ख़ास तौर पर ये हमारे जो रूरल एरिया की बच्चियाँ हैं जो कि समाज के मतलब पिछड़े
पर आर्थिक तौर पे पिछड़े लोग हम जिनको कहते हैं, जिनके घर में इतनी शायद डेवलपमेंट नहीं होती है, उनको इससे बड़ी वो मिलती है प्रेरणा और वो समाज में आगे बढ़ के अपना योगदान अपने रोल को पहचानती हैं। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ये रहे हैं आज के इसमें। मैं कुलदीप सिंह, लेक्चरर समाज शास्त्र। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।